गजला मेरे ख्याल में घर जाना चाहिए। कब तक यहां बैठकर हम दीवारों को देखते रहेंगे? ये ना तो किसी से राबता कर रहे हैं और न ही हमें अपनी लड़की के मुतालिक कोई सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इंफॉर्मेशन? कैसी इंफॉर्मेशन? क्या कहना चाह रहे हैं? अगर आपकी बात को मान लिया जाए कि लड़की की किसी से दोस्ती नहीं है, वो किसी से राबते में नहीं है और न ही उसका किसी के घर आना जाना है, तो ऐसी सूरत में उसे जमीन खा गई या आसमान ने उठा लिया? जाहिर है कोई तो ऐसी हकीकत है जो आप हमसे छुपा रहे हैं। हकीकत? हकीकत सिर्फ ये है सद्दाम साहब कि मेरी सीधी सादी मासूम बेटी ने घर से कदम बाहर निकाला और आपके बेटे की बातों में आकर अपना रास्ता खो बैठी। आपके बेटे से उसकी शनासाई क्या हुई, वो अपनी पहचान ही खो बैठी। और जो अपनी पहचान खो देता है वो अपना रास्ता खो देता है, वो घर तक कैसे पहुंचेगा? और आप मेरे घर में बैठकर मेरी बेटी के किरदार पर उंगली उठा रहे हैं। मैं सिर्फ उंगली उठा रहा हूं, दुनिया कीचड़ उछालेगी। आप सुबह तो होने दें। प्लीज सदाम साहब, बात की नजाकत को समझें। एक दुखी शिकस्ता दिल बाप की जज्बात को समझने की कोशिश करें। Hell with this nonsense. पता नहीं हम यहां क्यों बैठ के अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इर्तजा ने पता नहीं कहां लाके फंसाया हमें। गजाला, लेट्स गो होम। मेरी तरफ से खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया आपका इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ देने का। गेट खोलो। क्या बात है साहब? कौन है घर में? घर में तो कोई नहीं है, पुलिस का छापा पड़ा है। क्या कह रहे हो तुम, पुलिस छापा? हाँ साहब, रात को पुलिस का छापा पड़ा है, पुलिस सबको पकड़ कर ले गई है। क्यों, ऐसा क्या होता रात में? साहब बदमाशियां हो रही थी, नोमी साहब है ना, नोमी साहब, वो शराब और लड़कियां लेकर आए थे, खूब मौज मस्ती, डांस पार्टी, हल्ला गुल्ला हो रहा था, पुलिस ने छापा मार दिया, सबको पकड़ कर ले गई साहब। और आपको तो पता है कि उनके तो माँ बाप इस मुल्क में है नहीं, वो तो बाहर मुल्क में रहते हैं, ये बिल्कुल अकेले रहते हैं यहाँ पर। तुम सब कुछ सच कह रहे हो ना? हाँ साहब, अल्लाह को जान देनी है, मैं क्यों झूठ बोलूँगा आपसे। और आपको भी अगर किसी से मिलना है ना साहब, तो फौरन थाने चले जाइए। प्लीज आप इस तरह गुस्से में उठ के ना जाएं। देखिए, मैं अबूजी की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, एक बार इर्तिजा भाई को आ जाने दें, क्या पता मुश्किली के साथ आ जाए। तुम क्या समझ रही हो लड़की, इतना कुछ होने के बावजूद मेरा बेटा तुम्हारी बहन से शादी करेगा? नो, नेवर। हम ऐसी लड़की को कभी अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे, दैट्स फाइनल। बता देना अपने बाप को। सदाम अंकल, मेरी बहन ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत मासूम है, पाकीज़ा है, यकीनन कोई ना कोई मसला हुआ होगा, बस आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, वो एक बार उसको आ जाने दें। अंबर आप अंदर जाएं। ये मामला तभी फाइनल होगा जब मुश्क घर आएगी या फिर इर्तिजा इसे वापस लेकर आएगा। फिलहाल इन्हें जाने दें। Thank you.
हाँ सब तो खुश है ना तू, मैंने तेरी उस दिन वाली बेइज्जती का बदला ले लिया है। इनकी नजर में गरीब की कोई इज्जत नहीं है, अब पता चलेगा कि बेइज्जती क्या होती है। लेकिन रहमत, अगर साहब लोगों को पता चल गया कि तूने इनके बेटे की मुखबरी की है, फिर क्या होगा? अरे नहीं पता चलेगा, थानेदार का खास आदमी बन गया हूँ मैं। उसने मुझसे वादा लिया है कि आसपास के बंगलों पर नजर रखूं तो वो मुझे तनख्वाह भी देगा और हिफाजत भी करेगा। अब तू चाय पिला फटाफट। अभी लेकर आती हूँ।